अगर आप इस शैम्पू को यूज करते हो एक महीने के लिए, तो आपको ट्रस्ट में एक महीने में विजिबल रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे। चाहे वो हेयर फॉल हो या हो आपका हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम को ये शैम्पू बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने वाला है। सो एक बार इस शैम्पू को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि देखो लगने के लिए कुछ भी नहीं लग रहा है, बट रिजल्ट्स मिले तो अमेजिंग मिलेंगे। अगर आप भी अपने हेयर फॉल को ट्रीट करने के लिए एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर चुके हो शैम्पूज एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स में, और हजारों रेमेडीज ट्राई कर चुके हो बट कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करो, इस DIY शैम्पू को यूज करो एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रेमेडी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम की, सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि होपफुली आप लोगों के लिए भी काम करे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है एलोवेरा। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे अवेलेबल है एंड मेरे पास एक टाइम है कि मैं बना पा रही हूँ। आप चाहो तो आप इजिली मार्केट से वो एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, हजारों रुपए देंगे, आपकी चॉइस। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नेचुरल एलोवेरा को यूज करो, क्योंकि उसके 100% बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। सिंपली इसको ग्राइंड कर देंगे एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मेरा कोई सा भी शैम्पू। अब जो भी शैम्पू फिलहाल यूज कर रहे हो आप वो वाले शैम्पू मिक्स कर सकते हो। हल्का सा पानी डाल के दोबारा से इसको एक बार ब्लेंड कर दो एंड रेडी है आपका ये शैम्पू। आपको अपने पुराने शैम्पू को रिप्लेस कर देना है इस वाले शैम्पू से एंड उसके बाद रिजल्ट जो आएंगे अमेजिंग होगा। लाइक आफ्टर 2 to 3 यूजेस आप देखोगे कि आपका 80% तक हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो चुका है एंड हेयर ग्रोथ तो अमेजिंग होगी। लाइक महीने भर में आप डिफरेंस नोटिस कर सकोगे क्लियरली, क्योंकि मुझे मिले लाइक मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ी है जब से मैंने शैम्पू को ट्राई करना शुरू किया है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो एंड आप इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करोगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूं आपसे बहुत जल्दी अपनी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।